ऐसे कंकर रास्ते में, ग्राउंड में वगैरह तुम कहाँ चलाते हो वगैरह गिरे हो तो काफ़ी सतर्क हो जाओ। अगर आप स्पीड नहीं हो स्केटबोर्ड पे तो अचानक जैसे ही गाले पे लगेंगे गाला रुक जाएगा। आइडिया भी नहीं होगा इतना ज़्यादा बुरी तरीके से गिरोगे आप, क्योंकि इसके व्हील्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे। मैं भी जस्ट दो बार गिरा, दो बार। स्केटबोर्डिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। तो ये वीडियो पूरा देखो, इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स रहेंगे जिसको आप लोग मिस मत करो। तो इन चीज़ों के बिना आप लोग स्केटबोर्ड मत ही करो, ठीक है? शुरू कर दे। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास होना चाहिए एक बेहतरीन स्केटबोर्ड जिसका डेक अच्छा हो, जिसके व्हील्स अच्छे हो और थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लुकिंग और काफ़ी बैलेंस्ड हो। तो उसके अंदर आपको कंफर्टेबल हो चलाने में, यूज़ वगैरह करने में, थोड़े बहुत स्पिक्स वगैरह करने में, जैसे ऑली हो गया, शवीट हो गया, जो कि शवीट मेरे को बिल्कुल नहीं आती, तुमको मज़ा आए। और जब आपको गुस्सा आ जाए, शार्प स्टैंड नहीं कर पा रहे तो फेंक भी सको। तो इसलिए स्केटबोर्ड अच्छा होना चाहिए। गूफी राइडर हो आप, गूफी राइडर हो तो आपका राइट फुट आगे रहेगा, लेफ्ट फुट पीछे रहेगा, ऑलवेज ये ध्यान रखो। आप रेगुलर राइडर हो तो आपका लेफ्ट फुट आगे रहेगा, राइट फुट पीछे रहेगा, ऑलवेज। डेली नए नए कुछ एड्स ऐड करते जाओ स्केटबोर्डिंग के अंदर। जैसे कि आपको एक बेस्ट चीज़ बताऊँगा मैं, वो मैं जैसे ही स्टार्ट किया था स्केटबोर्डिंग, दूसरे दिन से ही मैंने वो स्टार्ट कर दिया था, जो वो ट्रिक जिससे कि मेरा स्केटबोर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। आपको बताऊंगा मैं वो क्या चीज़। आप गोफी राइडर हो तो अपने राइट हाथ में स्केटबोर्ड रखो। आप जिस साइड से कूदने वाले हो, पहले स्केटबोर्ड पे राइट फुट रखना है, तो पहले थोड़ा सा रन लो और खींचो तो उस पर डायरेक्ट जंप कर दो, छोड़ के जंप करो, बेस्ट ट्रिक है। काफ़ी ज़्यादा कूल लगोगे आप, जब भी आपको प्रोफेशनल राइडिंग नहीं आती तब भी ये करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कूल लगोगे। आप जब भी पुश करते हो तो आपको पुश प्रॉपर नहीं होता ना, तो ये ट्रिक आजमा लो, आपको स्पीड में मिलेगी और कूल भी लगोगे। और एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, जब आप स्केटबोर्ड चला रहे हो तो ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, ये ट्राई करोगे। मैंने ये जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो मैं मेरे यूट्यूब में चैनल में देखता था, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ये करते थे, ये वाला ट्रिक टाइम वाला। इस पर आप काफ़ी ज़्यादा मज़े कर सकते हो, काफ़ी फन वाला चीज़ है। तो अब जब स्केटबोर्ड इधर ऐसे इसमें चलाते हो, ऐसे इसमें चलाते हो तो इसके अंदर एक ट्रिक होता है, वो काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं, तो मैं उसको बता के दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। स्पीड से लाते हो तो आपके बैक फुट पे पूरा वेट रहना चाहिए आपका, इधर फ्रंट पे निकाल दो, पूरा वेट बैक फुट पे डालो, तो आपका स्केटबोर्ड यहाँ से ऐसे जाएगा, फ्लोट करेगा, आपका बैक फुट फोट ले फ्लोट करेगा, तो आप नीचे कूदोगे सीधा चले जाओगे, बेस्ट। 1 2 3 अब मैं आपको करके बताऊंगा। देखिए आओ, ऐसे कहीं पे भी आपके शहर में कहीं तो होगा ग्राउंड, आप खाली ग्राउंड ले और अपने स्केटबोर्ड को ले आके इधर फन करो, और आपके डेली स्केटबोर्ड के साथ पहले दिन ही ट्रिक्स वगैरह ट्राई मत करो, आराम से इजी मस्त तो मज़े से स्केटबोर्ड चलाओ, इतना स्पीड जाता है ना स्केटबोर्ड। लो जब भी स्केटबोर्ड चलाओ तो पूरा कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ, जैसे आप जब तक कंफर्टेबल होगे उसके साथ, जब तक फन करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ये जब घुमाने के टाइम काफ़ी ज़्यादा ये बेस्ट ट्रिक है, आप घुमाते हो ना तो ये वाला आगे वाले पैर को थोड़ा पीछे वाले पैर को उठाओ, आगे वाले पैर को उठा के इधर रखो इसे। अभी तक जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल और लाइक नहीं किया जाके करके आओ भाई, कभी कभी बोलता नहीं हूँ मैं ये सब, लेकिन लास्ट में बोलता, लेकिन प्लीज़ करके आओ, ठीक है? लाइक जब तक नहीं करोगे मेरे को मोटिवेशन नहीं आएगा नेक्स्ट और 500 वीडियो बनाने का, इसलिए मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ डेली, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट रहने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि मैं डीमोटिवेट इतना ज़्यादा होता ना कि इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहे तो उसको व्यूज़ ही नहीं आते, लोगों को देखना ही नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन क्योंकि मैं स्टार्टिंग में फेमस नहीं होना यार, फेस वैल्यू नहीं है ना, इसलिए व्यूज़ नहीं आते होंगे, आई डोंट नो। तो यार जो भी देख रहा है पहले सब्सक्राइब कर, नहीं सब्सक्राइब नहीं,
लाइक करो, तुम्हें वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ हाँ मैं हूँ, हाय हेलो कुछ भी लिखो, बस लिखो, मेरे को लगेगा कि हाँ भाई मेरी ऑडियंस देख रहे हैं। कुछ भी हो थोड़ा भी करो, बस लाइक एंड कमेंट हो जाना चाहिए सालो, का रिक्वेस्ट नहीं करूँगा मैं तुम लोगों को। गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, आपको छोटा लग रहा होगा वीडियो, नहीं कोई बात नहीं, तो इतने पॉइंट्स काफ़ी है। और कल शॉर्ट भी डाला एक मैंने, जिसके अंदर आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स बोले, वो भी जाके चेकआउट करो, मजे करो, पीस आउट।